दिल्ली का हर वकील जो है अरविंद जी के साथ है इस समय। डेमोक्रेसी की हत्या की जा रही है मोदी सरकार द्वारा, झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है सिर्फ एक पीएमएलए कानून के द्वारा। जेल से कैसे सरकार चल पाई? आप तो कानून के ज्ञाता हैं, आप लोग बताइए कैसे चलेगी। नमस्कार, आप उल्टा सवाल उसी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। हमारी मौजूदगी भी पटियाला कोर्ट में है, दिल्ली के पटियाला कोर्ट में। और आज दिल्ली के पटियाला कोर्ट में आम आदमी पार्टी के समर्थन में, अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आज यहां पे तमाम अधिवक्ता इकट्ठा हुए हैं और ये तमाम लोग केजरीवाल के समर्थन में आए हैं। इनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने आज तक जो वकीलों के लिए किया, आज तक कोई भी मुख्यमंत्री वकीलों के लिए इतना कुछ काम नहीं किया। हम आइए हम इन अधिवक्ताओं से, वकीलों से हम जब बातचीत करने की कोशिश करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि इनका क्या कुछ कहना केजरीवाल, इन केजरीवाल को लेकर आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे अरविंद केजरीवाल को? सर, हमारी वकील बिरादरी के लिए अगर पूरे भारतवर्ष में किसी सरकार ने सोचा है तो केवल और केवल अरविंद केजरीवाल की सरकार ने सोचा, जिन्होंने सबसे पहले हमारी वकील बिरादरी के लिए टर्म पॉलिसी लाए। अगर किसी वकील साथी के साथ कुछ मिसहैपनिंग होती है तो उसके बाद उसके परिवार के बारे में कौन सोचेगा? इस बारे में इस गहराई तक सिर्फ दिल्ली सरकार गई और उन्होंने टर्म पॉलिसी हम लोगों को दी। हमारे चैम्बर्स के बिलों को डोमेस्टिक में कन्वर्ट किया, जिसके कारण हमारे जीरो बिल आ रहे हैं आज की डेट में चैम्बर्स के। तो इतनी चीजें सोचने के बाद भी अगर वकील उनके साथ खड़ा नहीं नजर आएगा, जब इस तरह की आप लोग प्रदर्शन नहीं करेंगे, आप लोग प्रदर्शन करेंगे इजाजत भी नहीं थी। सर, इजाजत क्या, हमें सुबह तक डराया गया, धमकाया गया कि अगर हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो हमारे खिलाफ कॉन्सिक्वेंसेस होंगी। इवन बीसीसीआई के चेयरमैन द्वारा एक प्रेस रिलीज किया गया कि वकील साथी केजरीवाल के साथ नहीं है, लेकिन जबकि उनके कहने से नहीं होने वाला ऐसा कुछ। वकील बिरादरी केजरीवाल के साथ है, क्योंकि दिल्ली में जो केजरीवाल सरकार ने कर दिखाया है वकीलों के लिए, वो किसी सरकार ने पूरे भारतवर्ष में नहीं किया है। और जिस हिसाब से डेमोक्रेसी की हत्या की जा रही है मोदी सरकार द्वारा, झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है सिर्फ एक पीएमएलए कानून के द्वारा, अपना हथकंडा अपनाया जा रहा है ईडी को, जो कि एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट बन के रह गया, उसके थ्रू हर एक डिपार्टमेंट के थ्रू हर एक विधायक को, हर एक मंत्री को डराया जा रहा है कि उनके साथ आया जाए अन्यथा जेल में डाला जाए। तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है और हम पार्ट ऑफ जुडिशरी, अगर हम आगे नजर नहीं आएंगे तो कौन आएगा? बिल्कुल, तो आगे आप लोग क्या कैसे देखेंगे अरविंद केजरीवाल पे जो ईडी की कार्रवाई हो रही है, इसको आप लोग कैसे देखेंगे? सर, ये ईडी की कार्रवाई पूर्णतः पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, इसमें कहीं भी कोई सच्चाई नहीं है, कोई भी गहराई नहीं है। ये बस एक जरिया चाहिए था उनको ताकि अरविंद को जेल में डाला जाए, उन्हें चुनावों से दूर रखा जाए। उनको बस चुनाव से दूर रखना उनका मंशा है, ताकि इसी बहाने उनका नेतृत्व विहीन होगा तो पार्टी तोड़ी जा सके। ये करती आई है बीजेपी को, हमने देखा है महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक। तो बीजेपी के इस मंशा को हम वकील बिरादरी, जो कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ है, और उनका साथ देते रहेंगे। कैसे देख रहे हैं आज का ये जो आप लोग का प्रदर्शन था, लेकिन सुबह से कहा गया था कि प्रदर्शन करने की आप लोगों को इजाजत नहीं थी, लेकिन फिर भी आप लोग कर रहे हैं? ये कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर इजाजत नहीं थी, हम रोड पे हैं जी। आप एक चीज देखो, ये 6 नंबर गेट है, हम इसके अंदर नहीं है कोर्ट प्रेमिसेस के, हम कोर्ट प्रेमिसेस के बाहर है। सो हमको पता भी लीगैलिटीज क्या है और हमने क्या क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना है, वो हम कर रहे हैं। आगे कैसे देख रहे हैं ये जो कार्रवाई चल रही है, ईडी की एक तरफ कार्रवाई चल रही है, कल पेशी भी है अरविंद केजरीवाल, क्या उम्मीद रख रहे हैं, क्या कुछ? देखो, हमको पूरा कोर्ट के ऊपर भरोसा है, कोर्ट जो है वो बिल्कुल एज पर लॉ हमारे साथ जस्टिस करेंगे और हमको पूरी उम्मीद है और पूरा विश्वास है कोर्ट के ऊपर। आप लोग केजरीवाल के साथ हैं, आपके हाथ में पोस्टर भी है? बिल्कुल, वी लव केजरीवाल, अवर फैमिलीज लव केजरीवाल, एवरीबॉडी लव्स केजरीवाल, क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम को बचाने के लिए अगर एक होप है तो वो केजरीवाल ही है। आखिर क्या लगता है कि आप लोगों के लिए क्या कुछ अरविंद केजरीवाल के द्वारा किया गया जो आप लोग लव कर रहे हैं केजरीवाल से? क्या कुछ किया गया? आप एक बार अगर मैं लिस्ट बनाने लगूंगा तो फिर मेरे ख्याल से आपकी मेमोरी कार्ड फुल हो जाएगा। अगर आप देखो तो लेडीज के लिए भाई बन के उन्होंने समान राशि जो है 1000 दिया, फ्री यात्रा दी बस की, जितनी भी ट्रेवल फ्री है, एडवोकेट्स को मेडिकल फ्री किया, मेडिकल सिर्फ एडवोकेट्स को नहीं, एडवोकेट्स की फैमिलीज को भी किया। तो हमारे जो हमारे बच्चों के लिए भी इतना ज़्यादा चिंतित है तो फिर हम क्यों नहीं उसको लव करेंगे? हमारी फैमिलीज भी करती है, पूरी दिल्ली लव करती है उनको। क्या कैसे देख रहे हैं, आपके हाथ में केजरीवाल जी का तस्वीर है और आज आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं इजाजत नहीं होने के बावजूद? देखिए, इजाजत तो हमें भारत का संविधान देता है, ये रोकने वाले कौन होते हैं उनसे सवाल पूछिए। पीसफुल प्रोटेस्ट का अधिकार, और हम लोग किस लिए आए हैं? आज देश की डेमोक्रेसी और संविधान दोनों खतरे में, जिस तरह की तानाशाही देश के अंदर चल रही है, जिस तरह से इल्लीगल ये देश में पहली बार हुआ है कि जनरल इलेक्शन, लोकसभा का चुनाव घोषित होने के बाद किसी राज्य के मुख्यमंत्री को इस तरह से अरेस्ट किया गया था। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं तो वकील हूँ ना जी, शरद रेड्डी जो अरविंदो फर्मा के चेयरमैन है, जिनके ये कहते हैं जी, इन्होंने स्टेटमेंट दिया अप्रूवल का और ये कहते हैं कि ईडी के केस में मनी लॉन्ड्रिंग होती है।
मैं ये जानना चाहता हूँ कि यदि आम आदमी पार्टी को और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अरबिंदो फर्मा से पैसे लेने थे तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 60 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड लिया जिसको लीगल कहते हैं, क्या उस माध्यम से हम पैसे नहीं ले सकते थे? हमें क्या जरूरत थी कि हम कैश ले? जब हमें घूसी लेना है तो हम उन्हें कहते कि भैया इलेक्टोरल बॉन्ड हमें दे दो, हमारा लीगल हो जाएगा। लेकिन एक रुपया भी नहीं आया, पैसे किसके पास गए? ईडी का रेड उस पर होता है, अरेस्ट वो होते हैं। पूरे क्रोनोलॉजिकल आप देखेंगे कि किस तरह से उनके पास पहले थोड़े से मनी आते हैं, 25 करोड़ के आते हैं, फिर ईडी उनके बेल को अपोज नहीं करती है, फिर वो बाहर निकलते हैं, फिर जाके उनकी बेल हो जाती है, फिर वो अप्रूवल बनते हैं और केवल उनके स्टेटमेंट से कि उन्होंने 100 करोड़ रुपये, मान लीजिए 200 करोड़ रुपये दिए, पर भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में गए हैं उनके पैसे। इस बात की का जवाब भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को देना चाहिए। आप लोग तो कानून के ज्ञाता हैं, आप लोग कानून कितने से समझते हैं। नहीं, सरकार के द्वारा जो कहा जा रहा है ईडी की कार्रवाई थी वो पिछले एक दिन से नहीं, एक लंबे समय से चल रही थी, तो इसमें अब चुनाव के सामने आपके यही दिस इज द पॉइंट। पिछले 2 सालों से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो जनता यही तो जानना चाहती है। मैं छोड़ो लॉयर जनता पूछता हूँ, क्या सबूत है? आज तक तो नहीं निकला ना। मनी लॉन्ड्रिंग में एक बात आप समझिए, मनी ट्रेल होती है कि पैसे कहीं से निकले और कहीं पे पैसे गए। इसने ये पैसे दिए, चाहे अकाउंट में दिए, चाहे बॉन्ड के माध्यम से दिए या कैश पैसे दिए, पैसे तो दिखाएंगे। किसने पैसे दिए, किसको पैसे दिए, वो पैसे कहाँ गए? आज तक ना मुख्यमंत्री जी के, ना उनके रिश्तेदार से, ना उसके पीएस से, ना मनीष सिसोदिया जी से, ना संजय सिंह से, ना सत्येंद्र जैन से, ना इनसे, ना इनके परिवार के किसी सदस्य से, ना इनके पीएस से, ना इनके गाँव। आपने देखा मनीष जी के गाँव गाँव में रेड हुए, पैसे तो मिल ही नहीं रहे। जब कोई पैसा देगा तो जाएगा, हवा में लूट तो नहीं जाएगा। ये पूरा बताता है 2 सालों में। और सबसे बड़ी टाइमिंग है, आप इन्होंने आज तक अरेस्ट नहीं किया क्योंकि इनके पास सबूत नहीं थे, लेकिन अब चुनाव हो गया है। लोकसभा चुनाव में देखिए, मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को किसी से डर लगता है तो अरविंद केजरीवाल जी हैं। विपक्ष में कोई यदि सबसे बड़ा चेहरा उभर के उगरा है जिस पे देश की जनता विश्वास करती है, अरविंद केजरीवाल जी हैं। तो इनका डर की वजह से इनको चुनाव के समय अरेस्ट किया गया है और आज भी इनके पास कुछ नहीं है। और आपने देखा इलेक्ट्रोलर बॉन्ड के माध्यम से उस व्यक्ति के कहने से अरेस्ट किया गया है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 60 करोड़ का चुनावी चंदा दिया है। अच्छा, एक चीज और बताइए, जो कहा जा रहा है कि अब कोर्ट से सरकार चले, अदालत से, जेल से सरकार चलेगी, इसको लेके तमाम तरीके की बात, जेल से कैसे सरकार चल पाएगी? आप तो कानून के ज्ञाता हैं, आप लोग बताइए कैसे चलेगी। देखिए, जब सत्येंद्र जैन जी और मनीष सिसोदिया जी को अरेस्ट किया गया था, वो मंत्री थे, एक डिप्टी सीएम थे और एक मंत्री थे, हेल्थ मिनिस्टर थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने और लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तक केस लगाए कि भाई ये अब अरेस्ट हो गए इस केस के अंदर और इनको अपने मंत्री पद से जो है इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन ये कोर्ट में एस्टेब्लिश किया कि किसी पे जब तक वो अपराधी घोषित नहीं हो जाता, उनको सजा नहीं मिलती है, उनको मंत्री पद से हटने की इजाज़त नहीं देती है, देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कानूनी प्रावधान है, जब एक मंत्री को देने की ज़रूरत नहीं है तो मुख्यमंत्री क्यों देंगे? और मैं ये जानना चाहता हूँ, आपसे पूछता हूँ कि देश की, दिल्ली की जनता ने किसके लिए मैंडेट दिया है? केवल और केवल अरविंद केजरीवाल को मैंडेट दिया है। अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे सबको वोट मिली है, सारे विधायक चुन के आए हैं। अरविंद केजरीवाल को पूरा देश की जनता माता बने, अपना बेटा और भाई मानते हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए। तो जिसके लिए इतना बड़ा मैंडेट दिया गया, जिसको मुख्यमंत्री बनाने के लिए दिया गया, वही मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देंगे? क्यों देंगे? आखिर क्यों देंगे? ये दिल्ली की जनता जो चाहती है, और फिर दोबारा चुनाव अगले साल जब होगा जनवरी में, फिर वो मुख्यमंत्री सबसे भारी मतों से जीत के आएंगे और ये भारतीय जनता पार्टी का मुंह काला फिर होगा और दिल्ली की जनता उनको जवाब देंगे। देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पूरा सर्वे हो चुका है। दिल्ली की जनता क्या, मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी पूछे जो उनके समर्थक है, वो भी आपको बताएंगे कि बिल्कुल चुनाव के समय अरविंद केजरीवाल जी का गलत हुआ है और इससे दिल्ली का नुकसान होना है। वो चाहते हैं कि दिल्ली में जो विकास का काम चल रहा है, जिस तरह से वो महिलाओं को, गरीबों के लिए बिजली, पानी और धनराशि दे रहे हैं, वो बंद हो, लेकिन ये कभी नहीं बंद होगा। अरविंद केजरीवाल जहाँ रहेंगे वहीं से सरकारें चलेगी। कोर्ट ने ये कहा है कि कोर्ट के किसी भी न्याय के कार्य में, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में जो है कोई बाधा पहुंचाता है तो उसे उस श्रेणी में रखा जाएगा। और हम, आप देखिए कि कोर्ट मिसेस के बाहर हम जो है अपना एक संदेश देना चाहते हैं दिल्ली की जनता को, और जो सरकार है उसको हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी
अरविंद केजरीवाल जी ने वकीलों के साथ किया है वो आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया है। उनको सोशल सिक्योरिटी देना है, चाहे उनका हेल्थ इंश्योरेंस है, चाहे उनके बिलों को डोमेस्टिक करना है, सारी स्कीम जो है अरविंद जी ने लाए हैं, ये सब जानते हैं। आप लोग अरविंद केजरीवाल के साथ? बिल्कुल, हम दिल्ली का हर वकील जो है अरविंद जी के साथ है इस समय। तो ये आप तमाम अभी दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में हमारी मौजूदगी थी, आप दिल्ली के तमाम वकीलों को सुन रहे थे जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने आज तक जो हमारे लिए किया, आज तक कोई भी मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं कुछ किया गया। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन इस सुबह से ये कयास लगाया जा रहा था कि आज वकीलों का यहाँ पे प्रदर्शन नहीं होना है, प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। अब देखना है कि आगे इसमें क्या कुछ होता है, क्योंकि कल अरविंद केजरीवाल की कल फिर ईडी पेशी भी होने वाली है, तो क्या कुछ रहता है देखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम को देखते उल्टा समय यूसी, धन्यवाद।